हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेरी फाइन. चिल्ड्रन, टुडे इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, पीपल एज रिसोर्सेज. सो वी विल राइट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट टुडे. लेट्स स्टार्ट राइटिंग इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, दैट मीन्स IMR. ये क्या होता है, पहले इसे लिख लीजिए. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इज़ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड हु कम अंडर 1 year ऑफ एज. It is measured by number of death of children under 1 year of age per 1000 live births. तो children, infant mortality rate क्या होता है, 1 year से कम जितने भी बच्चे होते हैं उनका जो death मिलता है infant mortality rate. और यह 1000 live births होती हैं, मतलब 1000 जीवित बच्चों की संख्या पर एक साल में कितने बच्चों की डेथ हुई, इस तरह से मेजर किया जाता है. नाउ बर्थ रेट. अब बर्थ रेट क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न देयर फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. अब बर्थ रेट क्या होगा, एक साल में 1000 लोगों पर जितने भी बच्चे उनके हुए, जितने भी बेबीज हुए, वो बर्थ रेट के अंडर में आते हैं. नाउ डेथ रेट, इट इज़ द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. अब डेथ रेट क्या होता है, यह 1000 लोगों के ऊपर काउंटिंग की जाती है कि 1000 पीपल में से कितने जो हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डेथ उनकी हुई है, वो कहलाता है डेथ रेट. ओके, नाउ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो नोट इट डाउन. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या कहलाता है, दिस इज़ GNP. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज़ द एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड. अब कोई टाइम पीरियड जो दिया गया होता है उसमें जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती हैं वो उनकी जो वैल्यू होती है वो कहलाती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, की वो कितनी वैल्यू के हैं वो कहलाते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट कितनी वैल्यू के, मतलब वैल्यूबल प्रोडक्ट कितने आए, क्योंकि कई डैमेज हो जाते हैं, कई ख़राब हो जाते हैं, तो वो सारे उसमें इंक्लूड फिर नहीं होते हैं. नाउ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम इज़ द एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड. अब एक टाइम पीरियड में, एक निश्चित टाइम पीरियड में कोई भी जो फाइनल गुड्स हैं या कोई भी सर्विसेज हैं वो किसी नेशन को कितनी इनकम प्रोवाइड करवा पाते हैं, प्रोड्यूस करवा पाते हैं, वही नेशनल इनकम कहलाती है. नाउ ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन ह्यूमन बींग्स. अब स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज से जितनी भी ग्रोथ करवा पाते हैं और प्रोडक्टिव नॉलेज जिनके पास हो और स्किल जिनके पास हो वो कहलाते हैं ह्यूमन कैपिटल. इसका मतलब है जितने भी स्किल फुल और प्रोडक्टिव नॉलेज के साथ जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो ह्यूमन कैपिटल कहलाते हैं. नाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, मेडिकल केयर एक्सेट्रा. एजुकेशन एंड हेल्थ आर द सोर्सेज फॉर द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या, ह्यूमंस को कैसे हम कैपिटल बना सकते हैं, तो इसमें, इस टॉपिक में ये दिया है कि ह्यूमंस को हम कैपिटल कैसे बनाएं. अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या कहलाता है, ऐसे लोग, ऐसे पर्सन्स जो कि अपनी नॉलेज के द्वारा, अपनी स्किल के द्वारा, जो भी किसी कंट्री के फ़ायदे के लिए यूज़ होते हैं या वो अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है. उनको और किस तरह से बनाया जा सकता है, मतलब एजुकेशन उनको प्रोवाइड करवा के, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के, उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड करवा के जो वो कैपिटल तैयार करवाई जाती है ताकि वो और अपना कंट्रीब्यूशन किसी कंट्री को दे सकें, तो वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है. नाउ लास्ट में लिखेंगे
people as resource. It is a way of referring to a country's workforce in terms of existing skills and abilities. अब people as resource कौन होते हैं? जो people as resource वो resource होते हैं जो कि किसी country में अपनी skill और abilities के द्वारा उस देश के लिए अपना कुछ contribution करते हैं, उस देश की economy को growth करने में help करते हैं. So children, 2 मिनट में हम समरी देख लेते हैं. You have seen how inputs like education and health help in making people an asset for the economy. The chapter also discuss about the economic activities undertaken in the 3 sectors of the economy. We also study about the problem associated with unemployment. Finally, the chapter ends with the story of a village which formerly had no job but later had plenty. So children, इस chapter में education और health जो कितने important factor हैं किसी भी देश की economy के लिए वह हमने देखा, और इसके साथ साथ हमने जो 3 sectors होते हैं वो हमने देखे, और इसमें हमने ये भी देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रोथ से रोकने के लिए. तो इस चैप्टर में हमने ये चीज़ों को देखा, और इस चैप्टर में लास्ट में फिर एक विलेज की स्टोरी भी दी गई है जिसे आप पढ़ लेंगे, और उसके बाद उसमें उस स्टोरी में ये बताया गया है कि पहले उस जॉब नहीं थी और बाद में धीरे धीरे लोगों ने जो है वो अपना स्किल यूज़ करके और उन्होंने अपने लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल किया. इसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है चिल्ड्रन, सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ. तो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे.